सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चलते हैं अर्थालंकार के बारे में। जैसे कि हमने अलंकार का एक जो पाठ था वो पढ़ लिया है, जिसमें हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था। उसमें शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष तीन अलंकार के बारे में हमने जाना था। अर्थालंकार में हमें क्या क्या पढ़ना है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों हैं, ठीक है ना। एक अतिशयोक्ति भी होता है, उसको फिर भी मैं बता दूंगा एक बार, है ना, उसको भी लिख लेते हैं, अतिशयोक्ति, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ, तीनों में ये तीनों जो अलंकार लिखे हुए हैं अर्थ अलंकार की, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकार में तुलना की जाती है। उपमा में क्या होता है, एक व्यक्ति वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाती है। जैसे मैं बोलूं, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मैंने क्या बोला, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मैं किसकी बोल रहा हूँ, मुख की। किससे तुलना कर रहा हूँ, चंद्रमा से। क्या तुलना की मैंने, मुख और चंद्रमा में क्या है, सुंदरता की समानता है, है ना। इसलिए इसमें चार चीजें होती हैं, इसके चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमेय। जैसे इसमें उपमेय हो जाएगा मुख। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमान। साधारण धर्म क्या होता है, जो दोनों में तुलना की जा रही है, सुंदरता की तुलना हो रही है इसमें, तो सुंदर। और वाचक शब्द होते हैं जो तुलना के लिए प्रयोग की जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान, की समान जो है वो है वाचक शब्द। देखो यहाँ पे, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाती है वो है उपमेय, मुख। जिससे तुलना की जाती है वो है उपमान, चंद्रमा। साधारण धर्म होता है जो दोनों में समानता है, क्या है, सुंदरता की समानता है, तो साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर। और वाचक शब्द होते हैं जो तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे के समान, ठीक है, ये हो गए सारे। तो उपमा याद रखना आप में, एक व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमेय अलंकार होता है, ठीक है। और इसके देखो एग्जाम्पल, पीपर पाद सरस मंडोला, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो याद ही कर लेना डायरेक्ट, है ना। पीपर पाद सरस मंडोला, इसका मतलब हो गया, इंसान का जो मन होता है वो पीपल के पत्तों के समान डोलता रहता है, है ना। इंसान का जो मन होता है वो पीपल के पत्तों के समान डोलता रहता है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। इसमें देखो, हरि पद कोमल कमल से, इसमें देखो किसकी तुलना की जा रही है, पद की, किसके, हरि पद। तुलना क्या है, किससे तुलना की जा रही है, कमल से तुलना की जा रही है। दोनों के बीच तुलना करने के लिए शब्द कौन सा है, कॉमन, कॉमन शब्द है कोमल, ठीक है ना। तो उसमें उपमेय है पद, उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमलता, और वाचक शब्द है से, जो शब्द वाचक शब्द मैंने बताया था जो तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें देखो किसकी बात हो रही, झूले की, है ना। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, है ना, इसमें सा हो जाएगा वाचक शब्द, ठीक है ना। इसमें है ना, इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें तुलना की जाती है, मखमल के झूले की तुलना की जा रही है एक हाथी से टीले से, हाथी जैसे बड़े से टीले के समान, है ना। इस प्रकार चारों में क्या है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना हो रही है, इस टाइप से उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसके बाद रूपक अलंकार में होता क्या है, इसमें क्या होता था कि हम इसमें क्या होता था, पंक्तियों में ऐसा बोला जाता था कि ये इस जैसा है, है ना, उसका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तुलना ऐसी की जाएगी जब उपमेय की उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। जैसे मैं बोलूं, मतलब कोई देखने में बिल्कुल वैसा लगे तो हम बोलेंगे आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। जैसे कि देखो यहाँ पे, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि चंद्रमा के समान खिलौना लूं, चंद्र खिलौना, बिल्कुल उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है, है ना। तो इसमें देखो चंद्र खिलौना जो है यहाँ पे रूपक अलंकार है। जैसे इसमें देखो, चरण कमल बंधो हरि राई, इसमें बोले भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, तो चरण कमल, है ना, चरण कमल, ऐसा नहीं लिखा है कि कमल के समान चरण, सीधा लिखा है चरण कमल, है ना, मतलब चरण को कमल मान लिया गया है। इसमें चंद्र खिलौना, मतलब चंद्रमा को खिलौना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास, इसमें देखो तुलसीदास को चातक बताया गया है और राम को घनश्याम, बिल्कुल, है ना। और इसमें देखो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना, है ना। इम्पोर्टेंट तो सारे ही आते रहते हैं,
ठीक है ना। लेकिन इसको ध्यान रखना, ये आ सकता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखो यहाँ पर राम रतन धन पायो, ठीक है ना। तो राम रतन को धन के रूप में डायरेक्ट प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं बोला गया कि राम रतन के समान, राम के समान धन पायो, राम रतन धन पायो इस टाइप से। और उत्प्रेक्षा और भी सिंपल होता है, उसमें तुलना के लिए जैसे कि मैं बोलूं कि सामने से कोई भी व्यक्ति ऐसा चला आ रहा है कि उसको देख के मैं बोलूं कि आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं मानो ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा हो, तो जो तुलना के लिए है मानो बोलते हैं, मानो जानो कि आपको देख के ऐसा लग रहा था मानो, है ना। जैसे देखो यहाँ लगा मानो भाई घनश्याम अंतरदामने, इस टाइप के शब्द अगर तुलना के लिए ये शब्द कॉमन रहते हैं, मानो माने हो, मानो जानो जाने हो, जो जनु जानो हो, तो जा और मां से स्टार्ट होने वाले कोई भी तुलना के लिए शब्द यूज हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको कुछ नहीं देखना है, जो भी पंक्तियों में अगर ऑप्शन में कोई भी पूछे इनमें से कौन सा अलंकार है और उसके किसी भी ऑप्शन में उत्प्रेक्षा लिखा है तो आप देखो इनमें से कोई भी शब्द है कि नहीं तुलना के लिए, इसमें मानो मिल गया। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानु नील पड़ी सेल पर आतप परयो प्रभात। क्या बोला है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। देखो यहाँ पे समझो इसको कि जो श्री कृष्ण है वो अपने शरीर पर पीले वस्त्र को पहने हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु पीले वस्त्र पहन के ऐसे प्रतीत हो रहे हैं श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सेल पर, मानो नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रभात, सुबह सुबह की प्रभात पड़ रहा हो। क्या बोला गया कि जो श्री कृष्ण है अपने शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो, उसने इसकी तुलना कैसे की कि मानो नीलमणि सेल पर सुबह सुबह का प्रभात, सुबह सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो, है ना इस टाइप से। तो मानो मनहु जानो जनहु इस टाइप के अगर शब्द आए तुलना के लिए तो वृक्षा अलंकार होता है। और एक अर्थ अलंकार और होता है, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, वो तो आपको मालूम होगा। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जिस भी अलंकार में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए जिससे कि सभी सीमाओं का उल्लंघन हो जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कुछ भी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। तो इस प्रकार के जो शब्द है, इसमें जो पंक्तियां हैं, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब पूछ में आग ही नहीं लग पाई तो ऐसा ऐसा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है। मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं आपसे कि बाण नहीं पहुंचे शरीर पर, शत्रु पहले ही गिरे भू पर, है ना। इस प्रकार का एग्जाम्पल हो कि शरीर तक बाण नहीं पहुंचे और शत्रु पहले ही गिरे भू पर, और जो शत्रु थे पहले ही धरती पर गिर पड़े, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अलावा यदि मैं बोलता हूँ कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाता है सूरज, तो इस प्रकार के जो एग्जांपल है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाता है सूरज, ये भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल